नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th इंग्लिश एमपी बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पोएम। आपकी क्लास 12th के सिलेबस में जितने भी पोएम हैं उन पोएम से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने निकाले हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, सभी चैप्टर्स को, चाहे वो टेक्स्ट बुक के हों, वर्कबुक के हों, आपका ग्रामेटिकल पोर्शन हो, प्रीवियस ईयर के पेपर हों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, ए टू जेड मटेरियल हमारे चैनल के माध्यम से हमने प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, सभी की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हुम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट, है ना, कवि किस पर विश्वास करने की बात बोलता है ना। तो आंसर है द पोएट वांट्स अस टू ट्रस्ट आवर इनर वॉइस दैट इज ऑफ इन कॉन्शियंस। ठीक है, वो अपनी स्वयं की जो इनर वॉइस है, आंतरिक आवाज है, उस पर विश्वास करने की बात बोलता है। व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस, जो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक हैं उन तक किस मैसेज की बात वो कहता है। तो दे गिव अस द मैसेज दैट वी शुड पे अटेंशन टू देम, पे अटेंशन टू देम की वह बात करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ, अटायर का अर्थ होता है पोशाक, क्या अर्थ होता है पोशाक। तो कवि व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की पोशाक क्या है, तो पृथ्वी की पोशाक क्या है, द अटायर ऑफ द अर्थ इज द वाटर ऑफ द सीज एंड ग्रीनरी ऑफ द लैंड, है ना, मतलब समुद्र का पानी और पृथ्वी या जमीन पर जो हरियाली है, ग्रीनरी है, वह अटायर ऑफ द अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर फोर है आपका व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन वुड्स, वुड्स में मीन्स जंगल में कवि किस प्रकार के जीवन को पाता है। द पोएट फाइंड्स द स्वीटेस्ट लाइफ इन द वुड्स, स्वीटेस्ट लाइफ इन द वुड फाइंड करता है, देयर इज नो सफरिंग, और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सफरिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेल्फिश एंड हेल्पलेस मैन, एक सेल्फिश और एक हेल्पलेस मैन में क्या अंतर है। तो ए सेल्फिश मैन अवॉइड्स द पुअर एंड डाउन स्टूडेंट्स, एक सेल्फिश व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति जो होता है वह गरीबों और डाउन ट्रूडन लोगों को अवॉइड करता है। वाइल का अर्थ होता है जबकि ए हेल्पलेस मैन वांट्स टू हेल्प देम बट इट इज़ नॉट एबल टू डू इट, परंतु एक हेल्पलेस व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है परंतु वह मदद करने में असमर्थ रहता है, मतलब समर्थ नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, कोई व्यक्ति टेम्पल तक कैसे पहुँच सकता है। तो वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग न्यूमरस स्टेप्स, ए नंबर ऑफ स्टेप्स, एक व्यक्ति जो मंदिर पर यदि चढ़ना चाहता है तो उसको असंख्य सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, न्यूमरस। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेवन है व्हाट इज द किंगडम ऑफ वाटर, है ना, पानी का साम्राज्य क्या है। तो द सी इज द किंगडम ऑफ वाटर। अब एक जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, आपके सभी सब्जेक्ट के सारी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन वीडियोज़ को यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, मैंने सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। साथ ही मैं दो तीन बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ, जल्दी ही मैं आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि आप रेगुलर स्कूल या ट्यूशन जाते हैं और आपके रेगुलर क्लासेस लगती हैं, ऐसे ही मैं इंग्लिश की आपकी लाइव क्लासेस लगाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। मैं डेली आपको एक टॉपिक दूंगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट हो सकता है, सेवन, जो भी कोई सा भी एक टॉपिक दूंगा, जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, या आपका आर्टिकल हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, तो आप, मैं उसके वीडियो पहले प्रोवाइड करूंगा, प्रोवाइड करने के बाद में आप उसकी स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद में फिर मैं आपका लाइव टेस्ट लूँगा डेली। ठीक है दोस्तों, तो बचे हुए टाइम में हम बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवाने का प्रयास करेंगे।
चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपकी हेल्प कर सकें और आपकी तैयारी में आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना। नदी जंगल की किस प्रकार से प्रशंसा करती है? तो रिवर सेज, नदी कहती है दैट कि द फॉरेस्ट एंजॉयज द सेक्लूशन ऑफ लिविंग ग्रीनरी एंड स्प्रिंग एज वेल एज ए न्यू लाइफ एवरी ईयर। नदी कहती है कि जंगल जो है वह अपने एकांतवास का आनंद लेता है, मजे लेता है, और उसकी जो ग्रीनरी है, हरियाली है, और वसंत ऋतु में प्रतिवर्ष उसका जीवन जो है वह नया हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। साथ में मैं आपसे एक बार और कह रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में हैं, जिनके पास इन वीडियोज़ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन तक इन वीडियोज़ को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से करवा पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। वाट आर द टू मीनिंग ऑफ वर्ड क्रिकेट। शब्द क्रिकेट के दो मीनिंग कौन कौन से हैं? तो हर पोएम को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट करवाए हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। बाकी बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि सर पोएम के, प्रोज के, वर्कबुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, तो वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, है ना। तो जैसे क्रिकेट शब्द के दो अर्थ क्या हैं? तो क्रिकेट के दो मीनिंग हैं, द टू मीनिंग्स ऑफ वर्ड क्रिकेट। पहला क्या है? ए स्मॉल इंसेक्ट, एक छोटा कीड़ा, और दूसरा है द नेम ऑफ गेम, एक खेल का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने आपके पोएम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज छोड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, आपको PDF प्रोवाइड कर सकूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकूँ, या पर्टिकुलर किसी टॉपिक में यदि आपको कोई डाउट है ना, तो उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। तो नंबर आप नोट कीजिएगा, 9589661967, इन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिएगा, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अपना ध्यान रखना है, अच्छे से तैयारी करना है। थैंक यू वंस अगेन।